हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे टेंथ की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसमें हम हेरिडिटी पूरी तरह से पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे थे इवोल्यूशन का पार्ट, और इवोल्यूशन के अंदर हम देख रहे थे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि किस तरीके से जीवन की शुरुआत हुई है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमारे यूनिवर्स का शुरुआत कैसे हुआ, हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने बात की थी। साथ ही हमने सोलर नेब्यूला की बात की थी, और सोलर नेब्यूला के बाद किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने, और प्लैनेट्स किस तरह के ठंडे होके एक पिंड बना, और उसके भी जो उपग्रह थे वो कैसे बने, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी। आज हम उसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ था हमारी धरती पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ को, लाइफ के अंदर कि आखिर जब अर्थ बन गया, यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया, और उस सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद जब ये प्लैनेट्स ठंडे हो गए, उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे, है ना। तो जब ये प्लैनेट्स बन गए, तो ये प्लैनेट्स बन जाने के बाद क्या हो रहा था कि धीरे 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 वो ठंडे होने लगे। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे थे, उबल रहे थे पूरे के पूरे, वो धीरे धीरे ठंडे होने शुरू हुए, और ठंडे होने के बाद ये एक पिंड में बदल गए, ठीक है। और जब ये पिंड में बदल गए, तो खास करके हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन कहाँ है पूरे सोलर सिस्टम में, जीवन कहाँ है, धरती पे है बेसिकली। तो चूंकि धरती के बारे में, धरती पे जीवन है, और हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो हम देखेंगे कि किसके बारे में पढ़ेंगे, धरती के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो जब अर्थ बना, अर्थ बन के तैयार हो गया, एक ग्रह बन गया जिसका नाम पड़ा अर्थ। अब इस अर्थ के अंदर क्या हुआ कि सोडियम कम, मतलब कुछ अलग अलग तरीके के, जैसे आपने पढ़ा अभी कि पदार्थ कितने तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस रूप में हैं, तो उसी तरीके से धरती पे भी बहुत जो हैं सारे पदार्थ, वो तीन अवस्थाओं में पाए गए। कुछ सॉलिड थे, कुछ गैसियस थे, कुछ लिक्विड थे। तो देखिए, सॉलिड कंपोनेंट जो पाया गया इस पूरी धरती पे, उसको कहा गया लिथोस्फीयर। क्या कहा गया? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है भूमंडल, या धरती मंडल जिसको बोलेंगे, या फिर स्थल मंडल कह सकते हैं इसको। हम कहते हैं क्या? भूमंडल, भू मंडल, या इसी को हम कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि सॉलिड कंपोनेंट यानी कि जो ठोस पदार्थ है, उसको क्या कहा गया? लिथोस्फीयर कहा गया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। जो धरती पे, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल जीव जितने भी रह रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहते हैं? स्थलीय जीव कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे लिथोस्फीयर पे, क्लियर। अब दूसरा पार्ट एक आया, गैसियस पार्ट। ये जो लिथोस्फीयर था, वो पूरा का पूरा भरा हुआ था एक गैसियस आवरण के, जो मतलब चारों तरफ गैसियस आवरण थे, उसके बीच में, मतलब उसके नीचे लिथोस्फीयर था, और इसी धरती पे लोग रह रहे थे। तो ये जो बाहरी आवरण है, जो धरती को, इस लिथोस्फीयर को पूरी तरह से सराउंडिंग घेरा हुआ है, उसको हम कहेंगे एटमोस्फेयर, यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल, क्लियर। वायुमंडल किसको कहेंगे? जो लिथोस्फेयर के चारों ओर सराउंडिंग एक लेयर पाई जाती है। कैसी लेयर? गैसियस लेयर। ये गैसियस कंपोनेंट से बने हुए हैं, इसके अंदर आपका नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बहुत तरह के गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे धुलकनों का मिश्रण है। वायुमंडल पूरी तरह से क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, और इसी में से ऑक्सीजन गैस जो है, वो हम अपनी बॉडी के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहें? एटमॉस्फेयर कहा हमने। उसी तरीके से लिक्विड कंपोनेंट्स भी पाए गए, है ना। तो सॉलिड कंपोनेंट पाया गया, तो उसको हम लिथोस्फेयर कहें, भूमंडल कहें। अगर वो गैसियस कंपोनेंट, यानी कि गैसियस कंपोनेंट, तो गैस को तो हिंदी में भी गैस ही बोलते हैं, तो गैसियस कंपोनेंट, जो गैसियस पदार्थ थे, उनको क्या कहा गया?
एटमॉस्फेयर के अंदर रखा गया कि वो सारे के सारे कहाँ रहेंगे, एटमॉस्फेयर में मिलेंगे आपको। और जो लिक्विड कंपोनेंट्स थे लाइक वाटर, हमारे धरती पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। बेसिकली 1/3 ऑफ अर्थ जो है वो पूरा का पूरा क्या है, पानी से घिरा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये पूरा हमारा पृथ्वी है तो इसका 1/3 हिस्सा यानी कि ये पूरा 75% जो है ये किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। बाकी जो ये आपका 25% दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे लिथोस्फेयर का स्टेटस है। क्लियर? तो ये जो पूरा 75% 1/3 हिस्सा जो भरा हुआ है ये क्या कहलाया, ये कहलाया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, बेसिकली हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रो अस्फेयर, वाटर का अस्फेयर मतलब कि क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, जल मंडल। ठीक है, तो हमारी पूरी धरती यानी कि पूरा अर्थ जो है इसी तीन चीजों से मिलके बना। कौन कौन? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यानी कि अब जीव भी जो रहेंगे कुछ जल में पनपना शुरू हुए, फिर धीरे 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 एक्वेटिक और मतलब लिथोस्फेयर पे भी रहने लगे और एक्वेटिक में भी रहने लगे, तो उसको कहा गया एम्फीबियंस, है ना। और फिर ये जीव जो है पूरी तरह से धरती पे रहने लगे तो उनको टेरेस्ट्रियल जीव कहा गया, और जो जीव पानी में रहने वाले थे उनको कहा गया एक्वेटिक जीव, है ना। तो इस तरीके से जीवन की शुरुआत हुई, इस तरीके से इन्हीं तीनों कंपोनेंट की मदद से पूरा का पूरा जीवन का शुरुआत हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखिए क्या था ना कि पहले किसी को तो पता नहीं था, पहले के ज़माने में मतलब ऐसा तो नहीं है कि आदि मानव के काल से ही बुक्स लिखे जा रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हम पता लगा लें कि हमारी पुरानी संस्कृति कैसी थी, ऐसा तो है नहीं। तो क्या किया गया, अब जब बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की तो लोगों ने फिर उस पर थेसिस लिखना शुरू किया कि आखिर हमारी धरती का निर्माण हुआ कैसे, है ना। तो कई तरह के लोगों ने कई तरह की बातें की। अब जब बात की जाए कि इस पे थ्योरीज लिखे गए, बहुत सारे अलग अलग लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई हमारी धरती जो है ना भगवान बनाए, कोई एक पावर है, स्पिरिट है, यानी कि कोई एक सुपर पावर है जो क्या किया कि ये सारे जीवों को बना दिया। खरगोश भी उसी ने बनाया, टाइगर भी उसी ने बनाया, डॉग्स भी उसी ने बनाया, ह्यूमंस को भी उसी ने बनाया, व्हेल, मछली, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में सबको भगवान ने बनाया, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट का माने तो कहते नहीं भाई भगवान कौन है, फिर साइंटिस्ट तो भाई प्रूफ मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान कौन है, तो उनका एक अपना थ्योरम था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की मान्यताएं दी, कुछ लोगों ने बिग बैंग थ्योरी दे दी जो आपको पहले पढ़ाया मैंने, तो बहुत तरह की चीज़ें आई, उन्हीं थ्योरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चूंकि बहुत सारे थ्योरीज हैं तो यहाँ पे सारे थ्योरीज को कवर तो नहीं कर पाऊंगे, लेकिन एक दो थ्योरीज जो है यहाँ पे मैं कवर करूंगी। तो सबसे पहला जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहता है कि कोई एक सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, उन्होंने क्या किया जिसको गॉड कहा गया, है ना। सुपर नेचुरल पावर कौन भाई, तो वो गॉड माना गया। वो गॉड क्या किए कि 6 दिन में हमारी पूरी धरती का निर्माण कर दिए, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है, उनका मानना है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस का मानना है, क्रिश्चियन यानी ईसाइयों का, तो ईसाई धर्म के लोग जो हैं उनका मानना है कि एक सुपर नेचुरल पावर है कोई, और उसी ने क्या किया है कि इस पूरी धरती का निर्माण किया है, है ना। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये आदमी, ये जानवर, ये जितनी भी चीज़ें आप आसपास देख रहे हो, ये सारी की सारी इस सुपर नेचुरल पावर के द्वारा बनाई गई, गॉड के द्वारा बनाई गई हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। और इतना तक कहा गया है उनके धर्म ग्रंथों के अंदर कि ये जो निर्माण हुआ है, इस पूरी धरती का निर्माण, ये मात्र 6 दिनों में हुआ है। 6 natural days, मतलब एक मतलब कहने का मतलब है कि एक सुपर पावर का एक ऐसा दिन रहा कि 6 दिनों के अंदर उन्होंने सारी धरती की जितनी भी कमियाँ थी एक दूसरे को रिलेट करके सारी कमियों को पूरा कर दिया। बेसिकली ये मानने वाली बात तो है नहीं कि आपको एक कथा कहानी सुना दिया गया, आपने मान लिया कि ऐसा हुआ होगा।
लेकिन ये चीजें मानी नहीं गई। और इनके अनुसार कहा गया है कि आदम और ईव दो व्यक्तियों का निर्माण किया भगवान ने, और इन्हीं आदम और ईव के वंशज जो हैं वो पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। यानी कि इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, बस दो व्यक्ति हमारी दुनिया में आए थे, एक फीमेल थी एक मेल थे, जिसमें आदम जो है ये मेल थे और ईव जो थी वो फीमेल थी, ठीक है। और इन्हीं के वंशज आज हम लोग हैं। तो भाई ये दोनों कहाँ से आए थे? ये दोनों को गॉड बनाए थे, ऐसा माना जाता है इस धर्म ग्रंथ के अनुसार, कि इन दोनों को भगवान ने धरती पे भेज दिया इनकी बनावट संरचना करके कि बेटा तुम जाओ अब धरती पे, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, है ना, अपने ग्रुप को, अपने जो संतति है उनका निर्माण करो, और निर्माण से मतलब अपनी जो जनरेशन है उसको बनाओ। तो दुनिया इसमें मानना है, इस धर्म ग्रंथ के अनुसार मानना है कि आदम और ईव हमारी धरती पे आए और इन्हीं से हमारी पूरी दुनिया की शुरुआत हुई। लेकिन भाई केवल इनका कहना नहीं है, अगर हम हिंदुओं के अंदर जाते हैं तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बताया गया कि नहीं, कोई गॉड वॉड नहीं, लॉर्ड ब्रह्मा, कौन, भगवान ब्रह्मा है जो पूरी दुनिया को बनाए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जो हैं ये क्रिएशन के कारक हैं, उन्होंने ही सारी क्रिएशन की है, उन्होंने ही पूरी धरती बनाई है, और उन्होंने ही धरती पे मनुष्यों को भेजा, पहले मनुष्य को भेजा, जिसमें जो मेल थे उनका नाम था मनु और जो फीमेल थी उनका नाम था श्रद्धा, मनु और श्रद्धा, ठीक है। ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है। लेकिन क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ कहता है कि नहीं भाई, आदम ये पहले आए थे। अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर उनका नाम जो है अलग अलग दिया गया, लेकिन बेसिकली ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा होता कि केवल एक व्यक्ति इस दुनिया में आए होते तो भाई इतना जनसंख्या कैसे बढ़ गया, और प्लस ये लोग कहाँ से आए, ये भी बात आती है ना। कैसे कोई मान ले कि कोई व्यक्ति, कोई भगवान है जो सुपर नेचुरल पावर है जो बना के व्यक्ति को भेज दिया धरती पे कि नहीं भाई अब जाओ, अब तुम अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। कुत्ते बिल्ली तो हमसे मिलने वाले जो चिंपैंजी हैं वो कहाँ से आए, उनसे मिलने वाले जो गोरिल्लाज हैं वो कहाँ से आए, उनसे मिलने वाले जो बंदर हैं वो कहाँ से आए, ये बंदर भी किससे मिलते हैं। आप देखिए हर एक जीव जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, आप देखेंगे तो हॉर्स, जिराफ डंकी, एस, ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। हॉर्स एकदम कड़क प्रधान, जिराफ खाली केवल उसका गर्दन लंबा हो गया, इसमें जेब्रा भी डाल सकते हैं, जेब्रा का भी बनावट बिल्कुल सेम होता है, घोड़े की तरह ही दिखता है वो। तो इनमें कुछ कुछ परिवर्तन, भाई इतने वेरिएशंस बनाने के कहाँ से सोच आ गई भगवान जी के अंदर, है ना भाई। तो ठीक है उन्होंने घोड़े को बनाया था, तो जिराफ को काहे बनाया था कि इतना सर लंबा रहे, जहाँ जाए बेचारा को सर खाने के लिए दिक्कत हो जाए, तो ऐसा क्यों बनाया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग थ्योरम हैं जिसमें हम आगे भी पढ़ेंगे। ये तो पहली थ्योरी है जिसमें कहा गया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि कोई स्पेशल चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, और इस पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है, सुपर नेचुरल पावर यानी कि हमारे गॉड है, है ना। इसी तरीके से अब दूसरी थ्योरी आती है, चलिए देखते हैं दूसरी थ्योरी क्या है। अब बात करें अगर दूसरी थ्योरी की, तो दूसरी थ्योरी कहता है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब देखिए यहाँ पे कहा गया, इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया कि जितने भी जीव हैं वो निर्जीव जीवों से बने हैं। जैसे पहले ज़माने में तो अब ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आज ढूंढी जा चुकी हैं कि बैक्टीरिया वायरस, ये सारी चीज़ें जो आज ढूंढी जा चुकी हैं ये पहले के ज़माने में नहीं पता था किन्हीं को कि बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, कुछ मतलब फंगस भी होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तब क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ये जितने भी जीव हैं उनका निर्माण कहाँ से हुआ है, निर्जीव चीज़ों से हुआ है। जैसे लोगों ने क्या देखा था कि एक मीट का टुकड़ा लिया,
उस इसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि निर्जीव चीजों से जन्म लेती है। तो जब एक मीट का टुकड़ा लिया गया, उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, कुछ दिनों तक वैसे ही उसको पड़े रहने दिया गया, पड़े रहने रहने देखने के बाद कुछ समय के बाद उसमें से छोटे छोटे मक्खी के जो बच्चे थे वो निकलने स्टार्ट हो गए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये मीट का टुकड़ा था, इसमें से मक्खी कहाँ से निकल रहा है ना, लोगों के माइंड में ये आया। फिर देखा गया कि जो गंदी जगह पे पानी थी, पानी के अंदर से मच्छर पनप के निकल रहे हैं। तो वो माइक्रो चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही थी लोगों को, डायरेक्ट दिख रहा था कि गंदे पानी से मच्छर निकल रहा है, सड़े हुए मीट से मक्खी निकल रहा है, या फिर लोगों ने देखा कछुआ को, कछुआ कहाँ से निकलता है भाई, वो ज़मीन के अंदर क्रोकोडाइल्स हैं या फिर जो टर्टल्स हैं ये अपने बच्चे जो होते हैं वो कहाँ देते हैं, जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पे वो, चूँकि ये एम्फीबियंस, ये क्या करते हैं, ज़मीन में बच्चे देते हैं, तो ये पानी से बाहर आते हैं, पानी से बाहर आने के बाद जो गीली मिट्टी होती है उसे वो अपने पैरों से खुरेदते हैं, और खुरेदने के बाद उसमें अंडे देते हैं, और फिर उसको वापस से मिट्टी से ढक के, ये नेचर ने उनको सिखा के भेजा है, वो वापस से मिट्टी से उसको ढक देते हैं और वापस पानी में चले जाते हैं। तो लोगों ने देखा कि भाई उस मिट्टी से, उस गीले मिट्टी से क्या बोल रहे हैं, मतलब मछलियाँ निकल रही हैं, क्रोकोडाइल्स निकल रहे हैं, या फिर जो टर्टल्स हैं वो निकल रहे हैं। तो लोगों को लगा कि ओ, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो एबायोटिक चीज़ें हैं वहीं से बायोटिक चीज़ों का निर्माण हो रहा है, जीवों का निर्माण हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एबायोटिक चीज़ों से, यानी निर्जीव पदार्थों से, नॉन लिविंग पदार्थों से। तो इसीलिए इसको कहा गया एबायोजेनेसिस का थ्योरी। किस तरह का थ्योरी? एबायोजेनेसिस का थ्योरी। लेकिन जब 1862 में, कब 1862 में, जब सेल की खोज हो रही थी, और सेल की खोज होते हुए बैक्टीरिया का खोज किया था लुईस पाश्चर ने, तो उस बैक्टीरिया की खोज से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई एबायोटिक चीज़ों से कभी भी किसी जीव का निर्माण नहीं होता है। किसी भी जीव के निर्माण के लिए कोई ना कोई सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो सेल तभी आएगा जब कोई दूसरा सेल वहाँ पे मौजूद होगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली। उन्होंने क्या प्रयोग किया था, उन्होंने एक बॉटल लिया, ठीक है, पानी का बॉटल लिया। भाई बहुत सारे लोग कहते थे कि पानी का बॉटल में अपने आप कीड़ा हो जाता है ना, लोगों का मानना था कि पानी के बॉटल में अपने आप कीड़ा हो जाता है। तो लुईस पाश्चर ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कैसे कीड़ा होता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने रिफाइंड करके, एक बॉयल करके, बॉयल पूरी तरह से करके, और पानी भर दिया इसके अंदर, ठीक है, इस बोतल के अंदर क्या किया, वो पानी भर लिए। किस तरह का पानी? बॉयल किया हुआ पानी जिसके अंदर कोई भी कीटाणु नहीं था। फिर उन्होंने एक बोतल को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरा बोतल फिर इसी तरह का लेके उन्होंने क्या किया कि इस बॉटल के अंदर उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर उन्होंने एक ढक्कन लगा दिया ताकि इसमें जो बाहर का जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ना आ सके। इसमें भी उन्होंने सेम वही बॉयल करके इसके अंदर पानी भर दिया। जब ऐसा किया गया तो उन्होंने देखा कि जो खुला वाला बॉटल था इसके अंदर कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया घूमना शुरू कर दिए। समझ में आ रही बात? पहले तो भाई ये पूरी तरह से बॉइल्ड था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। जब इसके अंदर कुछ समय बाद, 3 से 4 दिन 5 दिन बाद 8 दिन बाद उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से इसको अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज जो हैं वो पनपने लगे हैं, लेकिन ये जो बॉटल है ये बिल्कुल अभी भी सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले था। ये क्या प्रूफ कर रहा है? इसका मतलब है कि ये खुले वाले एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ इसके अंदर आ रहा है और वो उन बैक्टीरियाज को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर जब हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया तो ढक्कन बंद कर देने के बाद अब यहाँ से तो कहीं से कुछ आने जाने का है नहीं, तो सारे रास्ते जब बंद है तो ये पानी प्योर का प्योर बना हुआ है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए लुईस पाश्चर ने इसको पूरी तरह से कह दिया कि नहीं भाई तुम लोग गलत हो, यानी कि इस थ्योरी को उन्होंने झुठला दिया। उसने सीधे सीधे कहा कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बायोजेनेसिस चीज़ों से किसी भी सेल का निर्माण नहीं होता, किसी जीव का निर्माण नहीं होता। किसके द्वारा होता है? बायोजेनेसिस के द्वारा होता है, यानी कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए जीव का होना जरूरी है। अगर कोई जीव नहीं होगा तो उससे कोई नया जीव बनेगा ही नहीं।
समझ में आया? यानी कि कोई ना कोई जीव में ही वेरिएशंस होके कुछ जो है इवोल्यूशन होके कुछ ना कुछ नया होके एक नए जीव का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी भी एबायोटिक चीज़ों से बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ है। समझ में आया? तो इस तरीके से इस थ्योरी को भी झुठला दिया किसने? लुईस पाश्चर ने। अब इसके बाद भी कई तरह की थ्योरीज आई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद भी क्या क्या चीज़ें हुई उनको हम देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल सकें, आपको उसकी पूरी नॉलेज अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।